हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल जय हिंद इंडिया में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़े भीषण युद्ध व दोनों देशों की मिलिट्री पावर की विस्तार से चर्चा करेंगे और पता करेंगे कि कौन सा देश ज़्यादा ताकतवर है। तो लेट्स बिगिन। आर्मेनिया पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेकस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी देश जो चारों तरफ जमीन से घिरा है। 25 दिसंबर 1991 को इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई थी। इसकी राजधानी येरेवन है। यह ईसाई बहुल देश है। यहाँ 95% आबादी ईसाइयों की है। अजरबैजान कैस्पियन सागर के किनारे दक्षिण काकेकस के पूर्वी भाग में स्थित है। यह 86,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह मुस्लिम बहुल देश है और यहाँ 97% आबादी मुस्लिम है। यह एक तेल उत्पादक देश है। इसकी राजधानी बाकू है। काकेकस क्षेत्र। काकेकस पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच काकेकस क्षेत्र की एक पर्वत श्रृंखला है। भारत की सीमा से करीब 4000 किलोमीटर दूर बसे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 27 सितंबर से 4400 वर्ग किलोमीटर के नागोर्नो काराबख इलाके पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ी हुई है। आर्मेनिया और अजरबैजान की मिलिट्री पावर की तुलना। आर्मेनिया की ग्लोबल रैंक 111 व अजरबैजान की ग्लोबल रैंक 64 है। आर्मेनिया के प्रेसिडेंट आर्मेन सरकिसियन हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव हैं। आर्मेनिया का भूक्षेत्र 29,743 वर्ग किलोमीटर जबकि अजरबैजान का 86,600 वर्ग किलोमीटर है। आर्मेनिया की पॉपुलेशन 2.96 मिलियन जबकि अजरबैजान की 10.1 मिलियन है। आर्मेनिया की जीडीपी 11.54 बिलियन डॉलर जबकि अजरबैजान की 43.75 बिलियन डॉलर है। आर्मेनिया का रक्षा बजट 1.38 बिलियन डॉलर जबकि अजरबैजान का 2.26 बिलियन डॉलर है। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वीपन्स नहीं हैं। आर्मेनिया की टोटल मिलिट्री 261,580 है जबकि अजरबैजान की 426,000 है। आर्मेनिया के एक्टिव पर्सनल 51,580 जबकि अजरबैजान के एक्टिव पर्सनल 126,000 हैं। जबकि आर्मेनिया के रिजर्व बल 210,000 व अजरबैजान के 300,000 हैं। आर्मेनिया के पास कॉम्बैट टैंक 138 व अजरबैजान के पास 715 हैं। आर्मेनिया के पास 748 AFB व अजरबैजान के पास 1451 AFB हैं। आर्मेनिया के पास टोटल आर्टिलरी 188 व अजरबैजान के पास 414 हैं। आर्मेनिया के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 38 व अजरबैजान के पास 187 है। आर्मेनिया के पास फील्ड आर्टिलरी 150 व अजरबैजान के पास 222 है। आर्मेनिया में रॉकेट प्रोजेक्टर 74 व अजरबैजान के पास 186 है। आर्मेनिया की एयरफोर्स आर्मेनियन एयरफोर्स व अजरबैजान की एयरफोर्स को अजरबैजानी एयरफोर्स कहते हैं। आर्मेनिया के पास टोटल एयरक्राफ्ट 112 व अजरबैजान के पास 147 एयरक्राफ्ट हैं। आर्मेनिया के पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं हैं जबकि अजरबैजान के पास 17 हैं। आर्मेनिया में अटैक एयरक्राफ्ट 10 व अजरबैजान में 12 हैं। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट आर्मेनिया में 4 व अजरबैजान में 12 हैं। दोनों देशों के पास स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट व एबाक्स नहीं हैं। आर्मेनिया में ट्रेनर एयरक्राफ्ट 13 व अजरबैजान में 29 हैं। आर्मेनिया में 37 हेलीकॉप्टर व अजरबैजान में 88 हैं। अटैक हेलीकॉप्टर आर्मेनिया के पास 20 व अजरबैजान के पास 17 हैं। आर्मेनिया के पास अनमैंड एरियल व्हीकल 25 व अजरबैजान के पास 36 हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आर्मेनिया के पास 3 व अजरबैजान के पास 1 है। दोनों देशों के पास रिफ्यूलिंग टैंकर नहीं है। आर्मेनिया के पास नेवी नहीं है क्योंकि इसके चारों ओर सिर्फ जमीन ही जमीन है जबकि अजरबैजान के पास नेवी है। आर्मेनिया के पास फ्लीट नहीं है व अजरबैजान के पास 31 समुद्री जहाज हैं। दोनों देशों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज नहीं है। दोनों देशों के पास डिस्ट्रॉयर व कॉरवेट्स भी नहीं हैं। आर्मेनिया के पास फ्रीगेट्स नहीं हैं जबकि अजरबैजान के पास एक फ्रीगेट्स है। आर्मेनिया के पास सबमरीन नहीं हैं जबकि अजरबैजान के पास 4 सबमरीन हैं। आर्मेनिया के पास पेट्रोलिंग
वेसल्स नहीं हैं, जबकि अजरबैजान के पास 13 हैं। माइन बारफियर्स आर्मेनिया के पास नहीं हैं, जबकि अजरबैजान के पास 7 माइन बारफियर्स हैं। आर्मेनिया के पास मर्चेंट मरीन नहीं हैं, जबकि अजरबैजान के पास 313 मर्चेंट मरीन हैं। आर्मेनिया में पोर्ट और टर्मिनल नहीं हैं, जबकि अजरबैजान के पास 1 पोर्ट टर्मिनल है। आर्मेनिया के पास 11 एयरपोर्ट हैं, जबकि अजरबैजान में 37 एयरपोर्ट हैं। आर्मेनिया में 15,07,000 लेबर फोर्स हैं, जबकि अजरबैजान के पास 51,18,000 लेबर फोर्स हैं। आर्मेनिया में रोड कवरेज 7,705 वर्ग किलोमीटर व अजरबैजान के पास 52,942 वर्ग किलोमीटर है। रेलवे कवरेज आर्मेनिया में 869 वर्ग किलोमीटर व अजरबैजान में 2918 किलोमीटर है। बॉर्डर कवरेज आर्मेनिया में 1570 किलोमीटर व अजरबैजान में 2468 किलोमीटर है। आर्मेनिया में कोस्ट लाइन कवरेज नहीं है, जबकि अजरबैजान में 713 किलोमीटर कोस्ट लाइन कवरेज है। दोनों देशों में वाटरवे कवरेज बिल्कुल नहीं है। आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध क्यों छिड़ा है? मामला भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर जैसा ही है। 100 साल पहले यानी विश्व युद्ध के वक्त ये पूरा इलाका एक ही देश था और ट्रांस काकेशियन फेडरेशन का हिस्सा था। 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 3 देश बना दिए गए थे, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। अब एक तरफ वर्ल्ड वार खत्म हो रहा था और उधर रूस में बोल्शेविक क्रांति हो रही थी। 1920 के दशक में जोसेफ स्टालिन ने अजरबैजान और जॉर्जिया को भी सोवियत संघ में शामिल कर लिया और दोनों देशों की नई सरहद खींची गई। बस झगड़ा यहीं से शुरू हुआ। दोनों देशों के बीच एक पहाड़ी इलाका है, नाम है नागोर्नो काराबाख। यहाँ ईसाई धर्म मानने वाले आर्मेनियन मूल के लोग रहते हैं, कुछ तादाद में तुर्की मूल के मुस्लिम भी हैं। जोसेफ स्टालिन ने सत्ता पाने की लालच में तथा तुर्की को खुश करने के लिए चालाकी से नागोर्नो काराबाख को मुस्लिम बहुल अजरबैजान के साथ मिला दिया। यहीं से स्टालिन ने इस क्षेत्र में झगड़े की मजबूत नींव रख दी। 1923 में स्टालिन ने इस क्षेत्र को स्वायत्त इलाका बना दिया, लेकिन ये अजरबैजान की सीमा में रहा। अतः इस स्वतंत्र इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच झगड़ा चलता रहा, लेकिन युद्ध तक नहीं पहुंचा, क्योंकि दोनों ही देश USSR का हिस्सा थे। USSR के कमजोर हो जाने से यह झगड़ा बढ़ता गया। 1988 में नागोर्नो काराबाख इलाके की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव ये था कि वो आर्मेनिया में मिलना चाहते हैं। इस बात से अजरबैजान को शौक लगा। उसे लगा कि आर्मेनिया ही नागोर्नो काराबाख में अलगाववाद भड़का रहा है। दूसरी बात यह भी है कि इस क्षेत्र के ईसाई एक मुस्लिम बहुल देश के अधीन नहीं रहना चाहते थे। 1991 में सोवियत संघ के विघटित होते ही इस इलाके ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। पिछली बार कब भिड़े थे अजरबैजान और आर्मेनिया में? पिछले बार 1992 में युद्ध हुआ था, तब यह 2 साल तक चला था। 10 लाख लोग बेघर हो गए थे, दोनों तरफ के 30,000 लोग मारे गए थे। वैसे हालात ना हो इसलिए दुनिया का हर बड़ा देश अपील कर रहा है कि हिंसा रोकी जाए। UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस ने झगड़े पर गंभीर चिंता जताते हुए फायरिंग बंद करने के लिए कहा है। अमेरिका और रूस भी फायरिंग बंद करने के लिए कह रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी ने दोनों देशों को बातचीत करने के लिए कहा है। अजरबैजान का पड़ोसी ईरान भी कह रहा है कि झगड़ा नहीं सुलझा तो चौधरी हम बन जाते हैं। सिर्फ तुर्की ही एक ऐसा देश है जो इस झगड़े में घी डाल रहा है। 2016 में हुई हिंसा में 110 लोग मारे गए थे। इसी साल जुलाई में 16 लोग मारे गए थे। अब यहाँ आता है तुर्की और उसके राष्ट्रपति एर्दोगन का रोल। एर्दोगन जो पिछले कई सालों से दुनिया के हर झगड़े में टांग अड़ाते रहे हैं। एर्दोगन ने अजरबैजान का समर्थन कर दिया और कह दिया कि हर तरफ अजरबैजान की मदद करेंगे। खुले तौर पर तुर्की मुस्लिम बहुल अजरबैजान के साथ है, वहीं आर्मेनिया भी अकेला नहीं है। आर्मेनिया के साथ रूस है, तो असल में अजरबैजान और आर्मेनिया वाले झगड़े में तुर्की और रूस का झगड़ा है। इस झगड़े में हम कहाँ हैं? भारत किसकी तरफ है? भारत का अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के साथ अच्छा रिश्ता है। चीन के BRI की तरह ही हमने भी एक रूट प्लान किया है, रूस से लेकर ईरान के चाबहार तक और फिर वहाँ से मुंबई तक। ये रूट अजरबैजान होकर गुजरता है।
तो युद्ध होता है तो हमारा भी नुकसान होगा। दूसरी तरफ तुर्की तो हमारे खिलाफ ही है, पर तुर्की के दुश्मन भारत के साथ हैं। कश्मीर मुद्दे पर आर्मेनिया पूरी तरह से भारत के साथ है। पिछले साल पीएम मोदी ने आर्मेनिया के पीएम निकोल से मुलाकात भी की थी। इससे जाहिर है कि पाकिस्तान किस तरफ होगा। पाकिस्तान अजरबैजान का समर्थन कर रहा है। कैस्पियन सागर से गैस और तेल की पाइपलाइन यूरोप की तरफ जाती है। वो कॉरिडोर जहां तनाव बढ़ रहा है उससे ज़्यादा दूर नहीं है। युद्ध से यह कॉरिडोर भी तबाह हो सकता है। दुनिया के दो मुल्क अघोषित रूप से जंग शुरू कर चुके हैं और उन दोनों के पीछे दो बड़े देश हैं। अभी तक युद्ध में हजारों घर बर्बाद हो गए हैं, लाखों लोग मारे गए हैं। जंग को शुरू हुए 12 दिन से ज़्यादा हो गया है। युद्ध का जबरदस्त खून खराबा व बेहिसाब लाशें बिछी हुई हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के मंजर दिख रहे हैं। युद्ध में आम सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है। गांव के गांव उजड़ चुके हैं। हर तरफ मौत का ताया पसरा हुआ है। तीसरा विश्व युद्ध होने की आहट दिख रही है। दोनों देशों के युद्ध से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। पाकिस्तान की सेना अजरबैजान की ओर से युद्ध में शामिल हो रही है, जिसकी पुष्टि आर्मेनिया के मीडिया द्वारा किया गया है। तुर्की अजरबैजान की ओर से युद्ध लड़ने में मदद कर रहा है और भारत के कश्मीर क्षेत्र के मुद्दे पर खुलकर पाकिस्तान का समर्थन कर चुका है। इसलिए पाकिस्तान भी तुर्की के साथ मिलकर अजरबैजान का साथ दे रहा है। अब इस विवाद में रूस और फ्रांस की एंट्री से तनातनी और बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी, बमबारी और आरोप प्रत्यारोप जारी है। दोनों देशों के सैकड़ों सुरक्षा बलों की मौत हो चुकी है। नागोर्नो काराबाख के अधिकारियों ने कहा है कि अब तक इस संघर्ष में उनके पक्ष के करीब 200 कर्मचारी मारे गए हैं। इसके अलावा 18 आम नागरिक भी मारे गए हैं, जबकि 90 से अधिक घायल हो चुके हैं। उधर अजरबैजान के अधिकारियों ने सैनिकों के हताहत होने के संबंध में कोई जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन 24 नागरिकों की मौत के साथ 121 अन्य घायल होने की बात कही है। ये तो महज एक सरकारी आंकड़े हैं, असल में हकीकत कुछ और ही है। नाटो देश इजराइल और तुर्की के मदद से अजरबैजान का पलड़ा भारी दिख रहा है, परंतु आर्मेनिया को काफ़ी खतरनाक देशों में गिना जाता है। दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।